तो गाइस आज मैं यहाँ पे लेटेस्ट और अमेजिंग प्रोजेक्ट वॉच कलेक्शन लेके आ चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अलग अलग कैरेक्टर हैं यहाँ पे जो दोस्तों आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं क्रेजी टॉयज। तो लास्ट वीडियो देखना तब भी आप लोगों को मजा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इतनी सारी प्रोजेक्ट वॉच में से कौन सी वाली वॉच आप लोगों को परचेस करनी चाहिए, कौन सी वाली बेस्ट है आपके लिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 2000 लाइक। तो मुझे पता है दोस्तों आप लोग लाइक को जरूर पूरा करोगे। तो चलो तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते यहाँ पे एक एक वॉच को ओपन करता हूँ और देखते हैं दोस्तों क्वालिटी कैसी है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट वॉच में जो ओपन करने जा रहा हूँ वो है एवेंजर्स की वॉच जो दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट आई हुई है। और इसमें दोस्तों जो मैं कैरेक्टर मिला है वो है स्पाइडरमैन वाला। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉर्मली दोस्तों ये ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मुझे दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा कि ये लाइट वगैरह होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ आपको वॉच ही मिलने वाली है शायद। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये नॉर्मली स्पाइडरमैन का फेस बन गया और ये देखिए ये वॉच बाहर आ गई। प्राइस की दोस्तों मैं बात करूँ ना तो ये कुछ 180 रुपये के आसपास मुझे मिल गई थी और ये ओपन होने वाला है नहीं। प्राइस के हिसाब से दोस्तों क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है, यहाँ पर कोई लाइट वगैरह भी है नहीं। इसके बाद गाइज यहाँ पे पाव पेट्रोल प्रोजेक्ट वॉच की मैं बात कर लेता हूँ। प्राइस की दोस्तों मैं बात करूँ ना तो ये कुछ 300 रुपये के आसपास मुझे मिल गई थी। इसकी दोस्तों खासियत ये है कि फर्स्ट तो यहाँ पे आपको जो लुक है ना वॉच को वो काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। और दोस्तों इसमें जो प्रोजेक्ट पीक होने वाले हैं वो ये देखें यहाँ पर लिखा ही गया है, पीछे लिखा गया शायद 24 के दोस्तों आसपास यहाँ पे ये पिक्स मिलने वाला है आपको। यहाँ पे कोई शो नहीं किया गया लेकिन यहाँ पे इस वॉच पे शो किया गया, ये देखिए 24 कैरेक्टर। तो इसको कर देते हैं ओपन। तो गाइज यहाँ पे वॉच की क्वालिटी आप लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिलने वाली है। ये देखिए यहाँ पे सभी की सभी दोस्तों जो चीज़ें वो प्रिंटेड है और ये देखिए और यहाँ पे मुझे लगता है कि पीछे से हाँ इस पन्ने को दोस्तों हटाना पड़ेगा यहाँ से, हाँ तभी दोस्तों ये प्रोजेक्ट दिखाई। ये देखिए आपको शायद नज़र आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे पीजे मास्क। तो गाइस कॉर्नर्स में ज़रूर बताना कि ये वाला कैरेक्टर किन लोगों को पसंद है। तो यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया प्रिंटेड है और इसी में इस वाले शो के सारे कैरेक्टर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए अलग अलग कैरेक्टर जितने भी यहाँ पे दोस्तों शो किए गए हैं वो सभी यहाँ पे शो करेगा इस प्रोजेक्टर में। 24 यहाँ पे प्रोजेक्ट होने वाले हैं और गाइस प्राइस थी भी जैसे 300 रुपये के आसपास। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। इसके बाद गाइज यहाँ पे एवेंजर्स वॉच की मैं बात कर लेता हूँ। गाइज ये वाला कैरेक्टर तो किन लोगों को यार पसंद नहीं होगा, सभी को यार पसंद आता है। इसमें भी आपको अलग अलग कैरेक्टर ये देखिए सारे के सारे कैरेक्टर यहाँ पे शो किए गए हैं। प्राइस भी दोस्तों सेम ही जैसी आपको मिलने वाली है और यहाँ पे ये देखिए क्वालिटी आप लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया। और इसमें पन्नी हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा। ये देखिए आयरन मैन है, ये हल्क था शायद। तो जितना दोस्तों आप लोग दूर लेके जाओगे ना इसको तो उतना क्लियर होता जाएगा। और इस लेंस को दोस्तों एडजस्ट वगैरह करना है तो कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम सभी का फेवरेट स्पाइडरमैन द अमेजिंग स्पाइडरमैन वंडरफुल प्रोजेक्टर, इसमें भी 24 प्रोजेक्टर शो करने वाला है। तो सेम ही जैसे दोस्तों प्रोजेक्टर होने वाले हैं यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर आप लोग देख रहे हो वो सभी के सभी। तो यहाँ पे इसकी भी पन्नी लगी हुई है तो ये लाइट शो नहीं करेगा। क्वालिटी दोस्तों आप लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। ये देखिए प्रिंट वगैरह काफ़ी मस्त है, शाइनिंग वगैरह, और प्लास्टिक क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया, ये टूटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है हमारा बैटमैन। तो गाइज सबसे ज़्यादा पॉपुलर वॉच है ना ये, यही वाली है बैटमैन। तो गाइज यहाँ पे आप लोग बैटमैन की वॉच देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों जितनी भी ये वाली जो वॉच है ना वो सेम ही प्राइस की रहने वाली है, 300 रुपये के आसपास। इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कि भाई कैरेक्टर अलग है तो चेंज हो जाएगा प्राइस, वैसा नहीं होता। यहाँ पे सब सेम ही जैसी प्राइस होती है। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो, इसमें है ना पन्नी हटाता हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए, ये आपको ड्रैगन्स दिख रहे होंगे,
ये देखिए, ये देखिए पोकेमोन आया था अभी, ये देखिए यहाँ पे आपको बैटमैन नज़र आ रहा होगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोग फर्स्ट प्रिंट वगैरह देख सकते हो, क्वालिटी भी ये देखें यहाँ पे बैटमैन का स्टिकर बनाया गया है। क्वालिटी दोस्तों काफ़ी स्टैंडर्ड है, इसमें भी आपको अलग अलग कैरेक्टर मिल जाएंगे, ये देखिए ड्रैगन्स वगैरह के। अभी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे LOL सरप्राइज़ की। तो गाइज ये वाला सरप्राइज़ तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, आप सभी को पता ही होगा। तो इसमें भी दोस्तों सेम ही जैसा रहने वाला है, यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर का ही फ़र्क है। यहाँ पे आप लोग प्रिंट वगैरह देख सकते हो, ये भी काफ़ी बढ़िया प्रिंट मिलने वाली है। और ये देखिए, ये आप लोग प्रोजेक्ट देख सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिलने वाली है। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे माय लिटिल पोनी। तो गाइज ये वाला कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा मस्त होता है। यहाँ पे गाइज आप लोग क्वालिटी वगैरह देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिलने वाली है। यहाँ पे दोस्तों मुझे कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी मस्त लगा, ये देखिए यहाँ पे प्रिंटेड वगैरह देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन। अगर दोस्तों आप लोग बेल्ट कुछ इस तरीके से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पे ये पन्नी है, तो इसमें दोस्तों नॉर्मली यहाँ पे AG3K सेल आते हैं, जिसमें टोटल 4 सेल अटैच होते हैं। अगर बाय चांस सेल ख़त्म हो गए तो इसमें अटैच कर सकते हो। मुझे लगता है कि इसमें प्रोजेक्ट यूज़ होते हैं दोस्तों, वो उसी के अलग से सेल है, और जो वॉच है उसके अंदर ही ऑलरेडी हो गए सेल। तो ये देखिए इसकी क्वालिटी भी, हाँ ये देखिए यहाँ पे लाइट दोस्तों हो नहीं रही, तो मुझे लगता है कि गाइज यहाँ पे इसमें लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब जब भी दोस्तों आप लोग वॉच वगैरह ऐसी वाली खरीदना तो टेस्ट करके लेना, क्या है कि कभी कभी यार ख़राब भी निकलती है। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हमारे प्रिंसेस वॉच। तो गाइज यहाँ पे प्रिंसेस वॉच आप लोग देख सकते हो, हुबू प्रिंसेस जैसी बनाई गई हैं। यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी बेस्ट, और इसकी भी पन्नी हटानी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दोस्तों जितनी भी प्रिंसेस है ना वो शो करेगा इसके अंदर, ये देखिए। ये देखिए आपको दोस्तों एक प्रिंसेस नज़र आ रही होगी, काफ़ी यार मस्त। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारे लास्ट दो वाले प्रोडक्ट की। तो गाइज यहाँ पे आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो वाले प्रोडक्ट है वो तो सेम ही जैसे है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कैरेक्टर पसंद हो वो इसमें आप लोग परचेस कर सकते हो। यहाँ पे मिनी का है, यहाँ पे प्रिंसेस का है, यहाँ पे एवेंजर्स का है, और यहाँ पे स्पाइडरमैन का है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रिंसेस वाला है उसी को मैं ओपन करना चाहूँगा। और दोस्तों यहाँ पे जो टॉय स्टोरी 4 का जो कैरेक्टर है, इसका दोस्तों क्या नाम, हाँ बज लाइटियर इसका नाम दोस्तों, काफ़ी मस्त नाम है। तो इसको मैं लास्ट में ओपन करूँगा क्योंकि ये मेन हमारा प्रोडक्ट है। तो इसकी क्वालिटी दोस्तों देख लेते भाई क्वालिटी कैसी मिलने वाली है। तो गाइस इसमें आपको पूरा का पूरा सेट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे एक तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में वॉच मिलने वाली है। यहाँ पे इसकी जो सेल है वो ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग फिनिशिंग वगैरह देख सकते हैं, ये प्रिंसेस वगैरह लिखा हुआ है। प्राइस की दोस्तों मैं बात करूँ ना तो ये एक सेट है ना कुछ 250 रुपये के आसपास मुझे मिल गया था। इसके बाद यहाँ पर हमें नॉर्मली गूगल देखने को मिलते हैं, जो क्वालिटी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। और यहाँ पे ये देखिए फिनिशिंग वगैरह दोस्तों वैसे काफ़ी बढ़िया है, प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी मस्त। इसके बाद यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्टर कैमरा देखने को मिलता है, जो दोस्तों काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों इसकी जो डिज़ाइन है ना वो आपको काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में मिलने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो कैमरा है वो ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर है, तो पहले ना करना पड़ेगा ऑन। जैसे ही दोस्तों आप इसको ऑन करोगे ना तो ये लाइट यहाँ पर ऑन हो जाएगी, ये देखिए आपको लाइट शो कर रही होगी। तो ये देखिए इसमें आप लोग कैरेक्टर वगैरह चेंज कर सकते हो, जो दोस्तों कुछ नॉर्मली देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे हेलो किटी के यहाँ पे कैरेक्टर शो किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 वाला कैरेक्टर बज लाइटियर। दोस्तों आप लोगों ने अगर टॉय स्टोरी 4 की मूवी देखी होंगी तो आप सभी को पता ही होगा कि ये जो वाला कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर
रहने वाला है। इसमें दोस्तों ये जो वॉच है ना वो ऐसी वैसी वॉच नहीं है, जो पहले देखा है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसमें दोस्तों मुझे लगता है कि प्रोजेक्टर नहीं होगा शायद। हाँ तो इसमें